everyone, how are you? Good evening to everyone. So I welcome you all on this Sun Academy platform, India's largest learning platform. और यहाँ पर हम prelims 2022 के लिए current affairs इस lecture के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं देवराज वर्मा आपको जैन 21 से लेकर मई 2022 तक के current affairs में यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा, right? और इसी के साथ ये मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि 100th वीडियो है, ठीक है? ऐसे हम 100 वीडियो अभी तक बना चुका हूँ, 99 वीडियोस बना चुका हूँ, 100th वीडियो है, ठीक है? कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दिए गए क्योंकि उनके अंदर कंटेंट नहीं था, कभी क्लास शिफ्ट हुई हो, कभी या फिर क्लास नहीं हो, तो उनको प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है? तो हम ये मानकर चलेंगे 100 कंप्लीट वीडियोज अपन ने इसके अंदर बना दिए, जिसके अंदर अपन ने मल्टीपल डायमेंशन में करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करा है। बट बिफोर स्टार्ट, काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन लेक्चर। एंड बिफोर स्टार्ट ऑल्सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट इन अकेडमी पे 100+ टॉप एजुकेटर अपने डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है? दिस टॉप एजुकेटर्स विल बी इन सर्विस ऑफ योर्स वंस यू जॉइन द अकेडमी प्लस। इसी के साथ आप देखते हैं अन अकेडमी अपने स्टूडेंट्स के लिए नए नए इनिशिएटिव लेके आती है। दे इज समथिंग नोन एज अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर कॉम्पिटिशन होता है, जिसके अंदर आपसे 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट्स में, आपको इसको 60 मिनट्स में आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, राइट? इसी तरह से आप देख सकते हैं कि टॉपर्स जो होंगे उनको काफ़ी प्राइजेस जीतने का यहाँ पर मौका है, राइट? इसी तरह से और अन अकेडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट अन अकेडमी ने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें 10,000+ क्वेश्चन आर देयर, ठीक है? जिसमें 10 बुकलेट्स आपको मिलेगी। ये बुकलेट्स जो है 7,500 रुपीज़ की है, ठीक है? बट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दिस बुकलेट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू, राइट? है ना? इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं अन अकेडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बच्चों दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है? ऐसे मत समझिए कि प्रीलिम्स के बाद अपन सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी फीस हाइक हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, ठीक है? तो प्राइस राइज होता है, जो कि एनुअल प्राइस राइज होता है, वो यहाँ पर होगा। लाइव डीबी कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन लें, 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? देर समथिंग नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द इनोवेशन ऑन अन अकेडमी, और अन अकेडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर। ये मेंटर्स की टीम जो होगी वो 24/7 आवर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेगी, ठीक है? वो आपको पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करेगी, लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेज आपको कराए जाएंगे, आपकी स्टडी का प्लान किया जाएगा किस तरह से आपको स्टडी करनी है, ठीक है? ओपन हाउस विद एजुकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑडियो चैटिंग भी आप कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, ठीक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम अन अकेडमी क्यों ज्वाइन करें, वाई अन अकेडमी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन अकेडमी पर आप लर्न कर सकते हैं, अपने बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास PSIR ऑप्शनल है, आप चेंज करना चाहते हैं उसको ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर, तो दिस फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अन अकेडमी। और जो जगह है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, आपने एक बार ऑप्शनल ज्वाइन कर लिया तो फिर वही करना पड़ता है आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट अन अकेडमी पे सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग विल आल्सो बी प्रोवाइडेड ऑन अन अकेडमी, एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस एग्जामिनेशन इज आल्सो देयर। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर दिस आर द मेजर मेजर फीचर्स, ठीक है? इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस यहाँ पर दे रखें। दिस इज फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, देयर इज समथिंग नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें मेंटर्स की टीम होगी, एजुकेटर की टीम तो रहेगी, पर 24/7 आवर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाली टीम भी रहेगी, वो भी आप लाइव डीबी कोड यूज करके 10% डिस्काउंट यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने अन अकेडमी में बना रखे हैं, ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे वंस यू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस। जब आप अन अकेडमी प्लस ज्वाइन करेंगे या अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? 25 मई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अकेडमी पे, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप ले सकते हैं अकेडमी सब्सक्रिप्शन 2023 के लिए, 2024 के लिए नए बैचेस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से 0% EMI पे अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है आजकल, ठीक है? मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, अगर आप वन गो के अंदर फीस नहीं पे कर सकते तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कर सकते हैं आप। ऑप्शनल कार्निवल इज ऑल्सो गोइंग 5 जून के बाद, ठीक है? जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये देखिए, आप ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, तो ज्योग्राफी का आप देखेंगे इंग्लिश में भी है, बायलिंगुअल भी है, और भी बायलिंगुअल भी बहुत सारे लोग जो है ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है? आपको ज्योग्राफी पसंद नहीं आ रहा, आप PSIR का देख सकते हैं, ठीक है? PSIR का पसंद नहीं आ रहा, आप सोशोलॉजी का देख सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल डायमेंशन के अंदर ये अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन जो है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है,
लाइव डीवी कोड के बाद ही 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स फॉर द प्रीलिम्स 2022। जैन 21 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स ये है, टुडेज 100th वीडियो। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। आप किसी भी बुकलेट में से देखेंगे तो मेजोरिटी जो होगा, ठीक है, करीबन 90% करंट अफेयर्स आपको अपने नोट्स के अंदर से मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, इस जर्नी के अंदर हमने 100 लेक्चर्स के अंदर आपको एक करंट अफेयर्स की क्लासेस ली हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग में मैं एमसीक्यूज भी करवाया हूँ, वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक अनाउंसमेंट और है बच्चों, 25th से लेकर 30 तक समथिंग स्पेशल इज कमिंग फॉर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ठीक है, 20 से लेकर 30 तक के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है, जैसे IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है, किस किस का IUCN स्टेटस कैसे कैसे याद करना है अपन को, ठीक है, प्लेसेस इन द न्यूज़, ये वाली चीज़ें, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, कौन कौन सी नेशनल पार्क्स न्यूज़ के अंदर रहें, ये सब चीज़ें अपन 25th से लेकर 30 मई तक अपन करेंगे। और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो अपनी सीरीज़ है, ये इसके अंदर से हम गवर्नमेंट वेबसाइट, PIB न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वेरियस मैगजीन्स लाइक डाउन टू अर्थ, योजना कुरुक्षेत्र, इनमें से हम ये सब चीज़ें लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ठीक, फर्स्ट टॉपिक जो है PIB न्यूज़ का है, इसके अंदर सुजलम 2.0, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है किसके सारा, जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा। तो जल शक्ति मिनिस्टर ने सुजलम 2.0 लॉन्च करा है और इसके अंदर ग्रे वाटर के ऊपर फोकस करा गया है। व्हाट इज ग्रे वाटर तुमसे पूछा जा सकता है, बट बिफोर दैट, ऑन वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति लॉन्च सुजलम 2.0 ग्रे वाटर कैंपेन। ठीक है, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे वाटर जो होता है ना, तीन तरह का होता है। एक तो क्लीन वाटर होता है जो साफ है, ठीक है, जिसको आप पीते हैं, जो कि आपको वेल्स में मिलता है, कुओं में, स्प्रिंग्स में, प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, रेन वाटर होता है, वो क्लीन वाटर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पी सकते हैं उसको डायरेक्टली, यू कैन ड्रिंक इट, राइट। दूसरा होता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर कौन सा होता है, जैसे आपने कपड़े धोए, कपड़े धोए साफ पानी से, कपड़े धोए और कपड़े गंदे हो, वो पानी गंदा हो गया, तो ये पानी इतना भी गंदा नहीं हुआ है ना, पानी इतना भी गंदा नहीं हुआ, इसके अंदर कम से कम टॉक्सिक एलिमेंट तो ऐड नहीं हुए। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ग्रे वाटर। ग्रे वाटर भी दो तरह के होते हैं, एक तो लाइट ग्रे वाटर, आई विल लेट यू नो, एक डार्क ग्रे वाटर। पर ग्रे वाटर वो होता है यूज्ड वाटर, वाटर को यूज करा गया है आपके द्वारा, पर वो टॉक्सिक नहीं है भाई। ब्लैक वाटर तो ऐसा है कि उसके अंदर तो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल एंड एक्सक्रीमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर तो अपन यूज ही नहीं कर सकते, इसके अंदर तो बहुत सारा टॉक्सिक एलिमेंट है। ठीक है, ग्रे वाटर यूज्ड वाटर है ना, यूज करा हुआ है, यूज्ड वाटर है, बट इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो कम है ही नहीं। क्लीन वाटर तो आप जानते हैं, क्लीन वाटर इसको आराम से पियो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रे वाटर इज डिफाइंड एज द वेस्ट वाटर दैट इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम द बाथ, वाटर फ्रॉम द शॉवर्स, हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, किचन सिंक्स, बट एक्सक्लूड स्ट्रीम्स फ्रॉम द टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट्स का स्ट्रीम के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बात करते वक्त आपने जो पानी हुआ वो टॉक्सिक नहीं हुआ, शावर्स, हैंड बेसिन, ये सब चीज़ें। मोर देन 70% ऑफ द फ्रेश वाटर अक्रॉस द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया गेट्स कन्वर्टेड टू द ग्रे वाटर। ठीक है, 70% वाटर जो है वो ग्रे वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, आप देखेंगे रूरल हाउस होल्ड के अंदर। आप यहाँ पे देखिए, ग्रे वाटर जो होता है वो खुद डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। सुजलम अपन पढ़ रहे हैं, सुजलम 2.0, आपसे पूछा जा सकता है सुजलम 2.0 इज रिलेटेड विद व्हाट, ग्रे वाटर, ग्रे वाटर का प्रिजर्वेशन, और ग्रे वाटर को किस तरह से अपन क्या करें, रिसाइकिल करें, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है ना। और ग्रे वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर कैन बी डिवाइडेड टू लाइट ग्रे वाटर और डार्क ग्रे वाटर। लाइट ग्रे वाटर जैसे बाथरूम के अंदर सोप, शैम्पू, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, इनके थ्रू पानी जो गंदा हो जाता है उसको यूज्ड हो जाता है, उसको लाइट ग्रे वाटर होती है, या फिर वॉश बेसिन का। ठीक है, किचन सिंक जो होता है और लॉन्ड्री और टॉयलेट जो होता है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द डार्क ग्रे वाटर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ग्रे वाटर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सुजलम का मैंने आपको बता दिया है कि रिसाइकलिंग ऑफ ग्रे वाटर, ये इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट इज रोम डिक्लेरेशन। रोम डिक्लेरेशन क्या है, कोई डिक्लेरेशन है कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हम में कौन है, वी द लीडर्स ऑफ G20 एंड अदर स्टेट्स इन प्रेजेंस ऑफ हेड्स ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एट द ग्लोबल हेल्थ समिट इन रोम 2021 हैव शेयर्ड अवेयर एक्सपीरियंस, कि हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है किसके थ्रू, COVID-19 का जो एक्सपीरियंस है कि भाई हमारी कंट्री में ऐसा COVID-19 हुआ था और हमारी कंट्री में हमने ये मीजर्स लिए थे COVID-19 को
करने के लिए, राइट, कोविड 19 को टैकल करने के लिए, ठीक है, और फर्दर कोई पेंडेमिक आएगा तो हम इस तरह से प्रिपेयर हैं। इसके एक तरह से शेयर करें अपने एक्सपीरियंस रोम डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो रोम डिक्लेरेशन जो हुई थी, देखिए G20 की सबमिट हुई थी, G20 सबमिट है ना मई के अंदर, मई 2021 के अंदर, तभी क्या हुआ था, तभी ग्लोबल हेल्थ सबमिट भी हुई थी, ग्लोबल हेल्थ सबमिट है ना फाइनली, राइट, ग्लोबल हेल्थ सबमिट, और ग्लोबल हेल्थ सबमिट के अंदर रोम डिक्लेरेशन हुआ था। तो पूछा जाए रोम डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ग्लोबल हेल्थ सबमिट, ग्लोबल हेल्थ सबमिट कब हुई थी, G20 मीटिंग्स के पैरेलली ग्लोबल हेल्थ सबमिट हुई थी, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ऑन 21 मई 2021 इन रोम द यूरोपियन कमीशन एंड इटली एज चेयर ऑफ द G20, ये चेयर कर रहे थे G20 को, इन्होंने को होस्ट करा किसको, ग्लोबल हेल्थ सबमिट, ग्लोबल हेल्थ सबमिट भी हुई, G20 भी हुई और ग्लोबल हेल्थ सबमिट भी हुई, और सबमिट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली G20 और इनवाइटेड लीडर्स को, हेड ऑफ इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, कि शेयर करें अपने लेसन्स जो उन्होंने COVID-19 की पेंडेमिक के अंदर लर्न करें, और यहाँ पर ही रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, जिससे कमिटिंग द कॉमन प्रिंसिपल टू ओवरकम COVID-19 को ओवरकम करने के लिए कॉमन प्रिंसिपल, और टू प्रिवेंट फर्दर व्हाट फ्यूचर पेंडेमिक्स, जो भी फ्यूचर में पेंडेमिक आए उनको किस तरह से अपन को टैकल करना है। Leader of G20 committed to a series of the actions to accelerate the end of the COVID-19 crisis everywhere and better prepare for the future pandemics, इस तरह से इसके अंदर बोला गया। और यहाँ पे कुछ key features हैं Rome Declaration के जो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। Support and enhance the existing multilateral health architecture for better preparedness, prevention, detection and response. Appropriate and sustainable funding for the collaborative global response effort, especially the access to COVID-19 tools. COVID-19 tools के access, मतलब जैसे सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर इज COVID-19 टूल, ठीक है, PPE किट्स, ठीक है, COVID-19 टूल्स, सही, मास्क COVID-19 टूल्स, राइट, इनको एक्सेस कराया जाए, इनको पहुँचाया जाए, उसके लिए सस्टेनेबल फंडिंग हो ग्लोबल रेस्पॉन्स एफर्ट्स के। फोस्टर ऑल ऑफ द सोसाइटी एंड हेल्थ इन ऑल पॉलिसी अप्रोचेस, इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स, ठीक है, प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड ओपन रेजिलेंट डाइवर्सिफाइड सिक्योर एफिशिएंट एंड रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन। क्योंकि पहले क्या था, सारे साइड सप्लाई चेन जो था चाइना सप्लाई कर रहा था, पर चाइना को जैसे ही क्या हुआ, चाइना के ऊपर COVID-19 आया तो सप्लाई चेन बिल्कुल एकदम से डिस्टर्ब्ड हो गई थी, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्लोबली डाइवर्सिफाइड करें सप्लाई चेन को, जिससे एक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क के अंदर आप देखेंगे तो ये मोलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में, इस तरफ ये जो है, ये एरिया अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, दैट इज नोन एज व्हाट, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो अपर सियांग वाला एरिया जो है, अपर सियांग वाला एरिया, ठीक है, उस एरिया के अंदर मोलिंग नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी मोलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन आदि हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस एडजॉइनिंग सियांग रिवर वैली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं, इट फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, इट वॉज क्रिएटेड 1986 के अंदर क्रिएट करा गया। द नेम मोलिंग हैज बीन डेराइव फ्रॉम द पीक मोलिंग, ठीक है, यहाँ पर एक पीक है इसका नाम है मोलिंग, वहां से इसका नेम डेराइव करा गया, मोलिंग नेशनल पार्क का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, फॉरेस्ट है इसके अंदर, फौना किस तरह का पाया जाता है, क्लाइमेट जो होगी मोलिंग नेशनल पार्क में किस तरह से पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी मैंने आपको लिख दिया, एक बार इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लें, इन चीज को जरूर से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्स, पर्स क्या है सर, पर्स जो है प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस। तो आप नाम से समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्च और साइंटिफिक एक्सीलेंस जो है इसको पर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ग्रांटेड अंडर द पर्स स्कीम, ये न्यूज में क्या है ये समझो, वाइन न्यूज, कि पर्स स्कीम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट था ना, उससे हमने एक भयंकर तरीका रिसर्च कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इंडियन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च बना दिया, एक टूल बना दिया, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, देखिए हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारी मेमोरी का कंसोलिडेशन रहता है, तो ये क्या है भाई, किस तरह से रहता है। तो हमने क्या करा, पर्स स्कीम चल रही थी, पर्स स्कीम के अंदर क्या है, रिसर्च करो आराम से, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, और इसके लिए जो है ये स्कीम है। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने, इंडियन साइंटिस्ट ने क्या क्या पता लगा लिया कि ब्रेन किस तरह से कंसोलिडेट करता है, मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे होती है ब्रेन के अंदर, ये इसके अंदर पता लगा लिया, दैट्स व्हाई पर्स स्कीम इज इन द न्यूज। तो थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ग्रांटेड द पर्स स्कीम, इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन इन द ब्रेन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पर्स न्यूज, पर्स इज इन द न्यूज, ये पर्स जो स्कीम है वो न्यूज के अंदर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
अब यहाँ पर समझो, पर्स क्या है, इट इज ए फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, कमेंस इन 2009 एक्सक्लूसिवली फॉर द यूनिवर्सिटी सेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू स्ट्रेंथन रिसर्च कैपेसिटी ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कैपेसिटी को क्या करे, स्ट्रेंथन करे। ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट इज फॉर ए पीरियड ऑफ द 4 ईयर, 4 साल के लिए यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, रिसर्च कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज की। पैटर्न्स ऑफ फंडिंग इज इन द रेशो 75% तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर देता है, ठीक है, और बाकी का जो इंस्टीट्यूट होता है, जो कि होस्ट इंस्टीट्यूट होता है जिसके अंदर रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर 25% वो देता है। 75% इज DST और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और 25% क्या है, 25% होस्ट इंस्टीट्यूट। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने कुछ बड़ा कर दिया, एक टूल बना दिया जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि माइंड के अंदर मेमोरी कंसोलिडेशन कैसे होता है, ये पता कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम टिल मार्च 2026, तो ये जो है ना कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम जो है इसको अपन ने मार्च 2026 तक के लिए कंटिन्यू रख दिया। अब इसके अंदर क्या है कि कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कि आपको मान लीजिए कोई ऑफिशियल स्टेटिस्टिक निकालना है, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक निकालना है कि भाई कितने लोग जो है वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, इस तरह से निकालना है, या फिर कुछ और निकालना है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, टेक्निकल मैन पावर चाहिए होगा, तो वो जो होता है दैट इज नोन एज कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। दिस कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम इज द स्कीम इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल जो होता है, मैन पावर रिसोर्सेज जो होता है, उन सबको क्या है, जो कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक के लिए काम आता है, ठीक है, उन सबको क्या करना, उन सबको प्रोवाइड कराना, दैट इज नोन एज कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम। तो कैबिनेट हैज अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम टिल 2026 विद आउटले ऑफ 3179 करोड़ रुपीज, ठीक है। इट इज ए सेंटर सेक्टर स्कीम, क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय द सेंटर, ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसकी स्कीम है। ऑब्जेक्टिव टू अगमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्निकल एज वेल एज द मैन पावर रिसोर्सेज फॉर इनेबलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिबल एंड द टाइमली ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक होती है टाइमली और क्रेडिबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक, उसको क्या करना, उसको अवेलेबल कराना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखिए तो दो सब स्कीम्स होती है इसके अंदर, ठीक है, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग और इकोनॉमिक सेंसेस, ठीक है, सपोर्ट फॉर द इकोनॉमिक सेंसेस। तो स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग का मतलब समझना है कि स्टेट स्टैटिस्टिकल सिस्टम फॉर कलेक्टिंग कंपाइलिंग डिसेमिनेटिंग रिलायबल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। दूसरा इकोनॉमिक सेंसेस मतलब गिव कंप्लीट काउंट ऑन ऑफ ऑल नॉन फॉर्म इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें। और मॉस्पी जो होते हैं, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मॉस्पी जो होती है ये मिनिस्ट्री इसके अंदर काम आती है, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज योर स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट के बारे में ये बात है, और इसका जो टाइटल है सीइंग द अनसीन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि कुछ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के अंदर नेग्लेक्ट जो कर देते हैं उससे क्राइसिस क्रिएट हो जाता है ना, ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी जिसके अंदर जो उस चाइल्ड को चाहते नहीं है पेरेंट्स या फिर कोई भी पर्सन जो बोर कर रहा है उस चाइल्ड को, वो चाइल्ड को चाहता नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। तो अभी जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसका थीम ये रहा है सीइंग द अनसीन, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो होती है वो ये रिपोर्ट को करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जो होती है। अभी इसका जो टाइटल है वो है सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शंस इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, ठीक है। इन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी दैट इज आइदर अनवांटेड सच एज प्रेगनेंसी अकर्ड व्हेन नो चाइल्ड और नो मोर चाइल्ड वर डिजायर, ठीक है, कोई चाइल्ड जब आपको डिजायर नहीं होता है तो उस वक्त जो प्रेगनेंसी अकर हो जाती है तो उस केस के अंदर उसको क्या बोलता है, उसको अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है, कि इनको इच्छा नहीं थी पर फिर भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो रही है। तो अब ये की रिपोर्ट्स है, की फाइंडिंग है रिपोर्ट्स की, 60% जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है ना वो अबॉर्शन में एंड हो जाती है, मतलब 100 में से 60 में अबॉर्शन हो जाता है,
है ना। एंड 45% ऑफ अबॉर्शन आर अनसेफ। 45% ऑफ 60 में से अगर हम देखें तो 45% अबॉर्शन जो होता है वो अनसेफ होता है ना, कॉजिंग 5-13% ऑफ पैटर्नल डेथ, है ना। दूसरा पॉइंट है 13% ऑफ वीमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज बिगिन चाइल्ड बियरिंग बिफोर दे टर्न 18, ठीक है। थर्ड है बिटवीन 2015 2019 121 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर एंड वन इन एवरी सेवन ऑफ दिस अकर्स इन इंडिया। इंडिया में हुई है ये, राइट। इतनी प्रेगनेंसीज जो है वो इंडिया के अंदर हुई है, ये इसकी की फाइंडिंग है। रिपोर्ट की फाइंडिंग ये भी है कि भाई क्यों, क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी का, तो ये देखिए लैक ऑफ सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन, इसके कारण क्या होता है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा हो रही है। हार्मफुल नॉर्म्स एंड स्टिग्मा सराउंडिंग वुमेन कंट्रोलिंग देयर ओन फर्टिलिटी एंड बॉडीज, दैट्स वाई प्रेगनेंसी इज हैपनिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। जजमेंटल एटीट्यूड और शेमिंग इन द हेल्थ सर्विसेज, पॉवर्टी एंड स्टॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी, इन सबके कारण क्या हो रहा है, इस सबके कारण अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपके 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपको Jan 21 से लेकर May 22 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ा दिए, ये खत्म होता है। अब ये क्लास नहीं होगी 5 PM पर, ठीक है। अभी 25 से लेकर 30 मई तक मेरा कुछ प्लान है, 31 मई तक यूट्यूब पर मैं कुछ करने वाला हूँ, जिससे कि आपका और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल फॉर दिस जर्नी ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ आपको ट्रिक्स याद करने की मैंने बताई है इसके अंदर, ठीक है। कुछ MCQs भी अपन देख रहे हैं, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड